हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी को स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट नंबर 1 में हमने अभी तक उन्नयन कोर से संबंधित आपको मैं 2 प्रश्न करा चुका हूं। आज की इस क्लास में मैं आपको अवनवन कोर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए। तो बच्चों, हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है सर अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, और यह होने वाला है भाग 2। भाग 2 में हम 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अवनमन कोण से संबंधित होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए, अब ये उन्नयन कोण क्या होते हैं सर, अवनमन कोण क्या होते हैं, अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप पहले पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे, फिर आप आएंगे पार्ट 2 में। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाना पसंद करूंगा। और ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन, जो कि अवनमन कोण से संबंधित होने वाला है। बिल्कुल देख लो। चलिए आइए अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कुछ भी दम नहीं है इस प्रश्न में, कुछ भी दम नहीं है, बहुत इजी बनने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है कि एक सीधी सड़क है जो एक भवन के पाद तक जाती है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। भवन के शिखर मतलब कि छत पर चढ़ा हुआ है, और वो जो व्यक्ति है वो नीचे की ओर ऐसे सिर को झुकाकर देख रहा है, तो अवनमन कोण सर ये 30 अंश का बनता है। बिल्कुल। फिर क्या बोला गया है कि कार जो है भवन के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाती है, तो 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद कार का जो अवनमन कोण है वह 60 अंश हो जाता है, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात कर। बिल्कुल सर, ज्ञात कर देंगे। पूछा कब गया है? 2018 सेट ABC, तीनों सेट में यह पूछा गया था। बिल्कुल सर, देखो। चलिए आइए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, पूरे में पूरा नंबर मिले। देखो सबसे पहले यहां पर लिखो हल। हमने सर लिखा हल। देखो अब प्रश्न को हम एक बार और पढ़ेंगे और क्या करेंगे, साथ में हम चित्र बनाते हुए चलेंगे। बिल्कुल सर, चित्र बनाते हुए हम चलेंगे। देखो सड़क के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हमने यहां पर बना दिया एक सीधी सड़क। हमने यहां पर बना दिया बच्चों एक सीधी सड़क। ये देखो, एक जो सड़क है वो एकदम सीधी है। हमने यहां पर एक सीधी सड़क बना दिया। अब इसी सीधी सड़क जो है, ये जो सीधी सड़क है वो एक भवन के पाद बिंदु तक जाती है। मतलब कि हमें यहां पर एक क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, ये हमने बना दिया भवन। अब देखो यहां पर क्या बोला गया था कि एक जो सीधी सड़क है वो किसी भवन के पाद बिंदु तक जाती। यहां तक की बात क्लियर सर। फिर क्या बोला था कि भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। बिल्कुल सर, देखो तो मान लेते हैं कि ये है हमारा भवन का शिखर, जहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब यहां से खड़े होकर वो नीचे की ओर देखता है। अब मान लेते हैं कि बिंदु ए पर कोई कार खड़ी हुई है। अब ये जो व्यक्ति है वो नीचे की ओर देखता है, तो सर अवनमन कोण जो होता है वो 30 अंश का बनता है। कितना बच्चों? अवनमन कोण बनता है। और अवनमन कोण कहां पर बनता है? मैंने आपको बताया होगा कि सर यहां पर ऊपर की ओर बनेगा। देख लो, अवनमन कोण कब बनता है? जब आप ऊपर में होते हैं और आप जिस वस्तु को देख रहे हो वह नीचे में होता है, तब सर अवनमन कोण बनता है। यहां पर कौन सा कोण बना सर? अवनमन कोण बनता है। बिल्कुल, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो बिंदु ए पर कार खड़ी हुई थी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो भवन की ऊंचाई है ना वो BC है। मतलब कि हम इसको मान लेते हैं सर कि भवन की जो ऊंचाई है वो H मीटर है। क्या बच्चों? H मीटर है। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। देखो फिर आगे लाइन में क्या बोला था कि कार जो है भवन के पाद बिंदु की ओर, ये है हमारा भवन का पाद बिंदु जो जमीन से लगा हुआ है, ठीक है। अब जो कार ए पर खड़ी हुई थी वो एक समान चाल से चलती हुई 30 मीटर की दूरी तय करती है। कितना बच्चों? 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह पहुंच चुका बिंदु डी पर। कहां पर पहुंच चुका है? बिंदु डी पर पहुंच चुका है। तो अवनमन कोण का मान जो है वो अब बढ़कर 60 अंश हो चुका है। कितना बच्चों? अवनमन कोण का मान अब बढ़ चुका, ये हो चुका सर 60 अंश हो चुका। बिल्कुल, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर। बिल्कुल, हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने चित्र को अच्छे से बना लिया है तो बिल्कुल आपका 50% काम हो चुका है। फिर क्या बोला था? फिर आगे क्या बोला था? तो हमें भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना, मतलब कि हमें ये BC को निकालना है, हमें H का मान ज्ञात करना। अब ये BC क्या है? देखो आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABC में, ये BC क्या है सर? ये लंब है, यानी कि लंब का मान हमें निकालना। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो चित्र बन गया। अब नीचे लाइन में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो
हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई BC बराबर H मीटर है, तो इसी बात को मैं यहाँ पर पहले मेंशन करूंगा। माना भवन की ऊंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आराम से समझना, धैर्य बनाकर रखना, बिल्कुल ठीक है। माना भवन की ऊंचाई चलो क्या मान लेते हैं सर, इसको मान लेते हैं BC बराबर हम मान लेते हैं H मीटर। मतलब कि अब हमें H का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना सर, H का मान ज्ञात करना। बिल्कुल देखो अब यहां से सर हमें एक बात समझ में आ रही है कि क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लाइन बोलने वाला, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो हमने कक्षा 9वीं में एक अध्याय पढ़ा हुआ, अध्याय 9 सरल रेखा एवं कोण, वहां पर हमने एक चीज पढ़ी हुई क्या कि ये देखो ये जो रेखा दिख रही है और ये जो रेखा दिख रही है दोनों क्या है बच्चों, समांतर है। दोनों क्या है, समांतर है, यानी कि दोनों रेखाओं को अगर हम आगे से या फिर पीछे से किसी भी ओर से आगे पीछे की ओर से कितने भी लंबाई तक बढ़ाएंगे ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, क्योंकि दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ना वो सब जगह बराबर है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है, समांतर है। दोनों क्या बच्चों, समांतर। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, इसको अच्छे से सुनना, जो कि कक्षा 9वीं का है। हमें पता चल चुका सर कि ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली रेखा दोनों क्या है, दोनों समांतर रेखा है। और दोनों समांतर रेखाओं को देखो एक त्रियक रेखा ऐसे काट रही है, बिल्कुल सर काट रही है। तो हमने कक्षा 9वीं में क्या पढ़ा है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एकांतर कोण को हम पहचानते कैसे हैं, जेड की आकृति देखते हैं, जेड का हम शेप देखते हैं। बिल्कुल देखो पहले मैं बात कर रहा हूं इस 30 अंश के बारे में, तो देखो मैं अब आपको ना यहां पर दिखाता हूं कि कहां पर हम जेड की आकृति देखने वाले हैं। देखो बच्चों यहां से देख लो आपको जेड की आकृति देखने वाली है। मैं जेड की आकृति आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूं, देखो यहां पे। तो जब ये 30 अंश है तो ये भी तो 30 अंश होगा ना। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती है तो वहां पर एकांतर कोण का मान सर हमेशा बराबर होता है। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो अब हम इस बात को लिखेंगे कैसे, चलो मैंने इसको लिया एक सा, अब इस कोण का नाम क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है पहला वाला अवनमन कोण 30 अंश, उसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा एक्स सी और ये ए, यानी कि मैं बोल रहा हूं कोण एक्स सी ए बराबर, इसका एकांतर कोण क्या होगा, ये होगा। अब इस कोण का नाम क्या होगा, सी ए बी, ये हो जाएगा सर कोण सी ए बी बराबर, हम इसको ले सकते हैं सर, ये भी 30 अंश है, ठीक है, दोनों आएगा 30 अंश। रीजन में आप लिख सकते हो एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती तब के केस में, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हमने समझ लिया, बिल्कुल देखो वापस आते हैं अपने चित्र पर और सोचते हैं एक बार। देखो अब देखो वापस वही कहानी, यहां पर 60 अंश का कोण बन रहा, कितना 60 अंश का कोण बन रहा आपको दिख रहा है। अब यहां पर भी आपको एकांतर कोण दिखने वाला, बिल्कुल देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों तो है समांतर, उसको एक त्रियक रेखा देखो अब की बार ये वाली त्रियक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये 60 अंश का कोण बना है तो इसका एकांतर कोण देखो, मैं आपको पहले एकांतर कोण दिखा देता हूं, इसका एकांतर कोण आपको यहां पर दिखने वाला है, जेड की आकृति दिखने वाली है, जेड मैंने यहां पर बना दिया, तो इसका एकांतर कोण यानी कि ये वाला कोण भी कितना अंश का होगा सर, ये भी 60 अंश का होने वाला है। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल देखो अब इस बात को भी हम यहां पर लिखने जाएंगे। तो देखो इस वाले अवनमन कोण का मान क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो कोण एक्स सी और ये हो जाएगा डी, कोण एक्स सी और ये डी बराबर, इसका एकांतर कोण क्या होगा सर, ये, तो इसका नाम क्या होगा सी डी बी, ये हो जाएगा सर कोण सी डी बी बराबर, ये भी होगा 60 अंश का और रीजन में हम लिखेंगे एकांतर कोण। बिल्कुल एकांतर कोण बराबर होंगे जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती तो। बिल्कुल अब ये जो हमको चित्र दिख रहा है ना वो हमारे पिछले वाले प्रश्न की तरह दिख रहा है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है उन्नयन कोण से संबंधित, उसी तरह का ये हमारा अब चित्र बन चुका है। इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। देखो देखिए बच्चों हमें यहां पर ए से लेकर डी तक की दूरी पता है, मुझे ए से लेकर डी तक की दूरी पता है, तो मैं डी से लेकर बी तक की दूरी यानी कि बीडी को मैं मान लेता हूं सर, बीडी को हम मान लेते हैं एक मीटर, क्या मान लिया सर एक मीटर मान लेते हैं, ये हो चुका एक सौ, यानी कि मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि मुझे आधार का मान पता चल चुका है ए से लेकर बी, ए से लेकर जो बी तक की दूरी है सर ये हमारा आधार, ये है आधार, यहां पर 30 अंश यहां पर 60 अंश का कोण बना है तो हमें पता है कि ये वाली जो भुजा है वो क्या है सर, वो लंब है, हमें लंब का ही मान निकालना है। अब यहां पर 90 अंश का कोण बनता है और 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये वाली जो भुजा आपको दिख रही है ना AC, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये है सर हमारा लंब हो जाएगा,
और नीचे में जो है वो आपका हो जाएगा आधार। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, वापस दो त्रिभुज दिख रहे हैं पिछले वाले प्रश्न की तरह। पहले हम बड़े वाले त्रिभुज पर बात करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज यानी कि ए बी सी पर बात करेंगे, फिर हम सेकंड त्रिभुज पर बात करेंगे जो छोटा सा दिख रहा है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा सर? ये होगा डी बी सी हो जाएगा। बिल्कुल दोनों त्रिभुज पर हम बात करने वाले हैं। पहली बात हमें निकालना क्या है इसको सोचना पड़ेगा। देखो हमें लंब का मान निकालना है जबकि आधार का मान दिया गया है, तो हम कौन सा त्रिकोणमिति का यूज करेंगे? आपके पास छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, छह त्रिकोणमिति सर हमारे पास यह अनुपात होता है लाल बटा कका, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा होता है टेन। इसको उलट देते हैं तो तीन और बन जाता है, तो फिलहाल हमें तीन ही याद रखना होता है, साइन कॉस और टेन का। सर इन तीनों में हम किसका यूज करें? अब इसको कैसे पहचानते हैं? तो देखो हमें लंब का मान निकालना जबकि आधार का मान दिया हुआ, तो हमें एक ऐसा अनुपात ढूंढना है जहां पर लंब और आधार दोनों चीज दिया हुआ। अगर मैं बात करूं पहले वाले अनुपात जो कि साइन का रहता है, इसमें लंब और कर्ण दिया है, यानी कि बच्चों मुझे कर्ण कर्ण की ओर मुझे तो काम करना ही नहीं है ना, तो मैं पहले वाले अनुपात बिल्कुल भी काम पर नहीं ले सकता। दूसरे में आता हूं जो कि किसका होता है सर? ये होता है हमारा कॉस का, जो कि आधार बटा कर्ण है। आधार तो यहां तक की कहानी क्लियर है, लेकिन यहां पर कर्ण की मुझे जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो मैं यहां पर कर्ण दूसरे नंबर के अनुपात को भी काम पर नहीं लेने वाला। तीसरा नंबर जो कि टेन का होता है, लंब बटा आधार, ये लंब है और यह आधार है, मुझे लंब और आधार ही तो चाहिए ना, यानी कि मैं टेन थीटा को लेने वाला हूं, जो कि होता है लंब बटा आधार होता है। इस तरह से आपको पहचानना रहेगा। इसी जगह बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, सर हम साइन का लगाए, कॉस का लगाए, टेन का लगाए, कोस का लगा, सेक का लगा, कॉट का लगा, किसका लगा? मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज पर, ठीक है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में बिल्कुल आ जाओ, देख लो, आ जाओ देखो। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में टेन थीटा, अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? तो पहला वाला अवनमन कोण क्या है सर? ये 30 अंश है, तो 30 अंश चिपका यहां पर, ये हो चुका 30 अंश। बराबर क्या होता है सर? ये लंब बटा आधार, लंब तो है ये बीसी और बीसी को हमने सर माना हुआ एच, तो डायरेक्टली मैं यहां पर एच लिखना पसंद करूंगा। बटा आधार में क्या लिखेंगे? तो हम बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात करें तो आधार क्या होगा सर? ये पूरी दूरी, यानी कि ए से लेकर बी तक की दूरी, ए से लेकर डी तक की दूरी 30 है और डी से लेकर बी तक की दूरी सर क्या है? 100 है। तो मुझे टोटल दूरी निकालना, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, यानी कि 30 धन 100 आधार का मान हो जाएगा सर, यह हो चुका 30 धन 100। बिल्कुल हो चुका सर। 30 अंश का मान तो 1/3 होता है, तो देखिए चिपका यहां पर, ये हो जाएगा 1/3, ये हो चुका 1/3। बराबर एच बटा ये हो जाएगा सर 30 धन 100। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 30 धन 100 का गुणा मैं करूंगा 1 के साथ, तो मुझे 30 धन 100 ही मिलने वाला। बराबर एच का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, तो ये हो जाएगा सर वर्गमूल 3 और इनटू में लिखा जाएगा सर ये एच। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर। हमें एच का मान निकालना है, तो मैं एच को यहीं पर रखा, अब एच के साथ जो गुणम है वो जाता है भाग में, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 30 धन 100 में आ जाएगा सर ये वर्गमूल 3। जब भी आपको हर में नीचे में वर्गमूल वाली संख्या दिख गई, आप उसको कर दो हर का परिमेयीकरण। क्या कर दो? हर का सर हम कर देंगे परिमेयीकरण। बिल्कुल पहले हमने इसको एज इट इज लिखा, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, अब आपका पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए? हर पर होना चाहिए। हर को क्या करो, एक बार ऊपर में लिख दो और एक बार नीचे में लिख दो। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर। हमने हर का परिमेयीकरण कर दिया। देखो तो h बराबर, तो h बराबर, अब h बराबर क्या लिख रहे? देखो वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 30 धन 100 के साथ, तो ये लिखा जाएगा 30 धन 100, फिर ये वर्गमूल 3 लग जाएगा। अब देखो दोनों भिन्न है जो कि गुणा में है, जब दो भिन्न गुणा में होते बच्चों, तो हम ऊपर का ऊपर के साथ गुणा और नीचे का नीचे के साथ करते हैं गुणा। तो हमने 30 धन 100 का गुणा वर्गमूल 3 से साथ यहां पर तो कर लिया, अब वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, तो सर ये बदल जाता है 3 में। किसमें? 3 में बदल जाता है। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। देखो अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, देख लो। अब देखो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं सर। इसको आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखो अभी फिलहाल इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करते, अभी फिलहाल इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसी एज इट इज रहने देते हैं। हम चलते हैं वापस अपने चित्र पर और मैं बात करने वाला हूं अब दूसरे नंबर के त्रिभुज पर। तो हम बात करेंगे अब त्रिभुज, हम बात करेंगे त्रिभुज कौन से पर? डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में। बिल्कुल आ जाओ, तो यह हो जाएगा त्रिभुज डीबीसी में।
टेन थीटा, टेन को क्यों ले रहा हूं, टेन को क्यों ले रहा हूं। बच्चा अगर क्वेश्चन करेगा टेन को क्यों ले रहा हूं, तो उसका जवाब ये होगा सर कि हमें चाहिए लंब और आधार, और लंब और आधार किस में आता है सर, ये टेन में आता है, बिल्कुल टेन में आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा, थीटा की जगह अब की बार हम लेंगे 60 अंश, क्योंकि अवनमन कोण बदल चुका है, 60 अंश हो चुका है, बिल्कुल। ये होता सर लंब बटा आधार, लंब का मान तो ये बीसी है, और बीसी को हमने क्या माना है, एच, तो ये हो जाएगा एच बटा आधार। अब यहां पर आधार लेंगे, देखो तो कोई भी बच्चा 30 धन 1 से आधार नहीं बोलेगा। अब की बार हम छोटे वाले त्रिभुज पर बात कर रहे हैं, त्रिभुज हम डीबीसी, इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आधार ये होगा, यानी कि डी से लेकर बी तक की दूरी, और डी से लेकर बी तक की दूरी को हमने क्या माना सर, 100 मीटर माना। यहां पर आप लिख सकते हो 100 मीटर माना, तो हम यहां पर लिखेंगे 100, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी निकल रहा है। सर 60 अंश का मान तो वर्गमूल 3 होता है ना, बिल्कुल होता है, यहां पर लिखोगे वर्गमूल 3 बराबर ये हो चुका एज बटा एक्स, बिल्कुल। देखो अब वर्गमूल 3 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब कि एक रहता है, एक का गुणा करेंगे एज के साथ, ये हो जाएगा एज बराबर एक्स का गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये लिखा जाएगा सर एक्स गुणा में लिखा जाएगा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 सर लिखा चुका। चलो इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2, और इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, बिल्कुल। इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको एक और बताया हुआ है, अब चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहां पर भी एज का मान दिया गया था, यहां पर भी एज का मान दिया गया था, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, दोनों समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों पक्षों की तुलना कर दूंगा, दोनों समीकरण की तुलना करेंगे एक्चुअली। चलो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, बिल्कुल देखो तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो दोनों पक्ष बराबर है तो हम बराबर वाले पक्षों को लिखेंगे। यहां पर एज बराबर ये था, क्या था सर, ये था 30 धन 1 सा, फिर बाहर में क्या था, ब्रैकेट के बाहर में था सर ये वर्गमूल 3, और नीचे में क्या था, ये था 3 बराबर। अब इधर आपको क्या दिख रहा है सर, मुझे इधर दिख रहा है एक्स, फिर ये वर्गमूल 3 दिख रहा है, बिल्कुल ये दिख रहा है सर, बिल्कुल। देखो यहां पर जो वर्गमूल 3 है इसके साथ गुणा में वो नीचे में जाएगा, भाग में जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी यहां पर वर्गमूल 3 है, तो दोनों जगह से मैं इसको काट सकता हूं, क्या मैंने एक लाइन बचा लिया, बिल्कुल सर बचा लिया। तो ये हो जाएगा 30 धन 1 बटे में आ जाएगा 3 बराबर, अभी भी 1 बचा हुआ तो यहां पर आ चुका 1, बिल्कुल सर। अब यहां पर क्या होगा, 30 धन 100 को मैंने लिखा, 3 का हम त्रियक गुणा करेंगे 100 के साथ, तो सर ये हो जाएगा 3x, क्या हो चुका सर, ये हो चुका 3x। देखो हमें पहले 100 का मान निकाला, 30 को मैंने यहीं पर रखा, 3x को यहीं पर रखा, इस 100 को मैं पक्षांतर करूंगा तो ये बदल जाएगा सर ऋण का 100, क्या हो चुका है ऋण में 100 आएगा, तो 30 बराबर 3x में हम 1x को घटाएंगे सर, हमें मिल जाएगा 2x। देखो एक्स के साथ जो दो गुणा में वो जाएगा भाग में, तो 30 के बटे में आ जाएगा 2, तो डायरेक्टली मैं यहीं से काट दूं, क्या 2 1 2 और ये जाएगा 15 बार में, तो एक्स बराबर सर मैं बोल सकता हूं 15, एक्स बराबर सर मैं बोल सकता हूं 15 मीटर। और एक्स को हमने क्या माना हुआ है, एक्स हमारा क्या सर, ये डी से लेकर बी तक की दूरी है, यानी कि डी से लेकर बी तक की दूरी क्या मिल चुकी हमें सर, 15 मीटर मिल चुका है। यहां तक की कहानी क्लियर है। हमें निकालना था एच का मान, किसका, ये भवन की ऊंचाई निकालना। अब भवन की ऊंचाई सर कैसे निकाल, देखो हमें एज के दो मान प्राप्त होते, यहां पर मिला था एज बराबर 30 धन 1 बटा वर्गमूल 3, और यहां पर मिला था एज बराबर 1 वर्गमूल 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 का मान आया है ना उसे किसी भी समीकरण में रख देंगे, वहां से हमें भवन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो हमें अब ऐसे समीकरण की तुलना करना, ऐसे समीकरण को कंपेयर करना है, लेना है जहां पर हम आसानी से एज का मान निकाल सके। यहां पर इसमें मैं अगर 1 का मान रखूंगा तो यहां से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहां पर समीकरण 2 में रख दूंगा एक से कमान, तो मुझे भवन की ऊंचाई एच का मान मिल जाएगा, बिल्कुल सर। देखो तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला, देखो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एक से बराबर 15 समीकरण 2 में रख देने पर, समीकरण 1 में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां से भी माना जाएगा, एक से बराबर समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर एच का मान रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है सर, समीकरण नंबर 2 ये है, एच बराबर क्या था, एक सौ और एक सौ का मान मैं बोल रहा हूं कि 15 चिपकाया, फिर क्या था गुणा में सर ये वर्गमूल 3 भी था, तो यहां पर लग जाएगा वर्गमूल 3, ये आ जाएगा सर मीटर में, यही हमारी क्या है सर, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः भवन की ऊंचाई बीसी बराबर एज, और एज बराबर हमने क्या निकाल लिया सर, हमने निकाल लिया 15 वर्गमूल 3 मीटर है, बस फाइनल आंसर आपको लिखना है, आओ लिखो। अतः भवन की ऊंचाई, भवन बोल सकते हो या फिर शिखर बोल सकते हो, ठीक है। चलो यहां पर मैं ब्रैकेट में शिखर भी लिख देता हूं,
चूंकि क्वेश्चन में शिखर दिया गया था, भवन बोलो शिखर बोलो कुछ भी बोलो, हमें ऊंचाई से मतलब है। अतः भवन या फिर शिखर की ऊंचाई क्या मिले सर, एच बराबर हमें मिला हुआ है 15√3 मीटर है। बिल्कुल ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, जो आपको 6 में से 6 अंक दिलाने वाले है। जो मैं आपको क्वेश्चन कराना बच्चों, उसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना, बाकी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये देखो अवनमन कोड से संबंधित भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा लिया, जो कि हमारे लिए हलवा है, बहुत ईजी है, कुछ भी दम नहीं है। 6 में से 6 अंक आपको दिलाने में 2 पेज में बन जाएगा, 7 से 8 मिनट लगेगा, बस आपका 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए, देख लो क्या बोला गया। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़कर बताता हूं, देखो कुछ भी नहीं है, ये तो और इजी है, पहले वाले क्वेश्चन से और ज्यादा इजी है। देखो क्या बोला गया था, किसी टीले, अभी टीले क्या होते हैं सर, तो टीला आपको पता है बच्चों, टीला क्या होता है, रेत या फिर मिट्टी का क्या होता है, ढेर होता है, रेत या फिर मिट्टी का ये ढेर होता है सर, बिल्कुल। तो किसी टीले के शीर्ष के मैदान में स्थित 2 मकानों का अवनमन कोण, जो कि टीले के विपरीत दिशा में, यानी कि टीले के एक दूसरे के अपोजिट दिशा में 2 मकान स्थित है, तो पहले मकान का जो अवनमन कोण 30 अंश है और दूसरे मकान का सर ये 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर है, हमें टीले की ऊंचाई को दे दी गई है, तब मकानों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, मकानों के बीच की दूरी हमें निकाल लेना, बिल्कुल सर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो सबसे पहले यहां पर लिखो हल, अब एक बार अपने प्रश्न को और पढ़ेंगे और साथ में हम चित्र बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल देखो मेरे साथ आप लोग भी काम करते हुए चलना है, बिल्कुल पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मैं मानकर चलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा इस बात को। चलिए आइए, तो किसी टीले के शीर्ष पर, तो टीले के बात हो जाए तो टीले बनेगा कहां पर, टीला बनेगा जमीन पर ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जमीन बनाएंगे। देखो यहां पर मैं जमीन बना दिया, देखो ये है जमीन हमारा, ठीक है। अब इसी जमीन पर क्या है, टीला है, ये टीला मतलब कि रेत का ढेर हो सकता है या फिर मिट्टी का ढेर हो सकता है। देखो यहां पर मैंने बना दिया टीला, ठीक है, दिख नहीं रहा कुछ जैसे, लेकिन मान के चलो गणित मानने में क्या दिक्कत है, नहीं मानने में दिक्कत क्या, मान लो ये है टीला, चलो ये है टीला हमारा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इस टीले के अपोजिट साइड में एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 मकान स्थित है। चलो यहां पर बिंदु ए पर एक मकान स्थित है और बिंदु बी पर दूसरा मकान स्थित है, तो यहां पर क्या बोला गया था कि 2 मकानों का अवनमन कोण, जो कि टीले के विपरीत ओर है, ये टीला है, टीला है ना, इसके एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में मकान ए है और राइट हैंड साइड में क्या मकान बी है, तो पहले वाले मकान के द्वारा बनाया जाएगा जो अवनमन कोण है ये सर 30 अंश है, और दूसरे के द्वारा बनाया गया जो अवनमन कोण है सर ये 60 अंश होने वाला है। अब अवनमन कोण बनेगा कैसे, बात हो गई है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कैसे बनता है, आप टीले पर खड़े हुए हो और टीले पर खड़े होकर आप दोनों घरों को देख रहे हो, तो आप टीले पर खड़े ऊंचाई पर खड़े और नीचे की वस्तु को देखते हो, तो सर वहां पर अवनमन कोण बनता है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्षैतिज अक्ष बनाना पड़ेगा, देखो यहां पर मैंने बना दिया क्षैतिज अक्ष, बिल्कुल सही हो चुका हमारा क्षैतिज अक्ष, ठीक है। चलो तो यहां पर सबसे पहले अवनमन कोण, घर ए के लिए अवनमन कोण सर ये था 30 अंश, तो यहां पर हम चिपकाएंगे 30 अंश, और दूसरे घर के लिए बी के लिए सर ये था 60 अंश, तो बिल्कुल यहां पर चिपका देना आपको 60 अंश। देखो चलो हम मान लेते हैं कि टीले की जो ऊंचाई है, वो सीडी है, टीले की जो ऊंचाई है सीडी, और टीले की जो ऊंचाई को हमें दे दिया गया सर 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर, बिल्कुल यहां पर हमने लिख दिया 60 मीटर, ठीक है। चलो चलो अब इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो देखो दिया है टीले की ऊंचाई, ऐसा करके लिखेंगे, यहां पर मानेंगे नहीं क्योंकि हमें टीले की ऊंचाई दे दी गई है, दिया है टीले की ऊंचाई, देखो टीले की ऊंचाई, ठीक है। चलो टीले की ऊंचाई, अब टीले की ऊंचाई क्या है सर, यहां पर सी से लेकर डी तक की दूरी, यानी कि सी डी बराबर हमें दिया गया था 60 मीटर, बिल्कुल सर 60 मीटर दिया गया था। इतना लिख लिया तो 2 सेकंड के लिए रुको और वापस चलो अपने चित्र पर और सोचो। देखो अब भी जो मैंने क्वेश्चन करा थे ना उसी तरह से ये भी बनने वाला, देखो चलो इसको मैंने नाम दिया एक्स और इसको मैंने सर नाम दिया वाई, जो एक्स और वाई दिख रहा है और ये जो ए और बी दिख रहा है दोनों क्या है सर, दोनों समांतर रेखा है, दोनों क्या है सर समांतर रेखा, और दोनों समांतर रेखाओं को देख लीजिए एक त्रियक रेखा इस प्रकार से काट रही है। तो अब भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक लाइन बोली हुई थी, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, तो एकांतर कोण को हम कैसे पहचानते सर, जेड की आकृति देखते हैं, तो जेड की आकृति अब मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। देखो
ये देख लो जेड की आकृति, ये जेड की आकृति है। तो ये अगर 30 अंश का है सर, तो इसका एकांतर कोण भी 30 अंश का होने वाला। ये भी कितने अंश का हो जाएगा सर? ये भी 30 अंश का होने वाला। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है, अच्छे से क्लियर सर, बिल्कुल। आ जाओ इस बात को यहां पर नोट डाउन करेंगे कैसे, देखो। तो यहां पर हो जाएगा कोण x डी और ये a, x डी ए बराबर, इसका एकांतर कोण क्या होगा? तो ये होगा, इस कोण का नाम क्या होगा? डी ए, हम लिख सकते हैं सर b, तो हम लिख सकते हैं इसको डी, कोण डी ए, डी ए बी बराबर, ये सह में मिलेगा 30 अंश। रीजन में आप बिल्कुल लिख सकते हो एकांतर कोण, एकांतर कोण, बिल्कुल ये हो चुका एकांतर कोण, हमें मिल चुका, ठीक है। चलो अब आगे की कहानी देखो, वापस आओ अपने चित्र पर और एक बार और सोचो, देखो क्या सोचना है। अब देखो यहां पर हमें पता है कि एक्स वाई और ये जो ए बी रेखा, दोनों क्या है? समांतर रेखा, दोनों क्या है? समांतर रेखा है। अब वापस से इसको एक त्रियक रेखा कुछ इस प्रकार से काट रही है, देख लो बच्चों, त्रियक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है तो वहां पर क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण को हम सर पहचानते कैसे? आपको देखना है जेड की आकृति, चाहे वो जेड उल्टा बने या फिर सीधा बने, यहां पर उल्टा जेड बना है, तो ये भी क्या होगा सर? ये भी एकांतर कोण होगा। तो इस कोण का मान अगर 60 अंश है तो इसका एकांतर कोण ये है, तो ये भी सर ये 60 अंश होने वाला है, बिल्कुल। अब इस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे, देखो। तो इस कोण का नाम क्या होगा? तो वाई डी बी, ये हो जाएगा सर कोण वाई, वाई डी बी हो चुका, बिल्कुल बराबर। इसका एकांतर कोण क्या होगा? ये होगा। अब इसका नाम क्या होगा? डी बी ए, डी बी ए, ये हो जाएगा सर डी ए, सॉरी डी बी बी, ये D के बाद B आएगा ना, D के बाद B फिर A, D B A बराबर, ये हो जाएगा सर 60 अंश, बिल्कुल। रीजन में हम लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, बिल्कुल एकांतर कोण क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो आपका पूरा 50% काम हो चुका है। देखो हमें क्या निकालना था? हमें सर निकालना था मकानों के बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी को निकालना था, बिल्कुल सर निकाल लेंगे। देखो मकानों के बीच की दूरी मतलब कि मुझे ए से लेकर बी तक की दूरी निकालना है, ए से लेकर बी तक की दूरी निकालना है। देखो पहले हम क्या करने वाले, इस बात को हम समझने वाले हैं। मुझे ए से लेकर सर बी तक की दूरी निकालना है। अब यहां पर मुझे दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। सबसे पहले देखो यहां पर जो त्रिभुज दिख रहा है वो कौन सा? समकोण त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो मैं पहले ए से लेकर सी तक की दूरी को निकाल लूंगा, आराम से निकालूंगा सर, आराम से जहां तक निकालूंगा। फिर हम बात करेंगे दूसरे वाले समकोण त्रिभुज पर जो कि क्या है? बी सी डी। तो बी सी डी में अगर मैं बात करूंगा तो मैं बी से लेकर सी तक की दूरी को भी पता कर लूंगा। तो मुझे ए से लेकर सी और बी से लेकर सी तक की दूरी पता चल चुकी है, दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे दोनों मकानों के बीच की दूरी तो पता चल जाएगी ना। तो यही काम मैं करने वाला हूं, दोनों त्रिभुजों को एक एक करके मैं काम पर लेने वाला हूं, बिल्कुल। यहां तक की कहानी क्लियर है सर, अच्छे से क्लियर है। देखो तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। आ जाओ देख लो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। देखो ये ए सी डी हुआ, देखो सर यहां पर हम पहले ये समझ लेते हैं कि हम कौन सा अनुपात लेंगे। ये होता है हमारा 6:1 का ट्रिक, लाल बटा काका, ठीक है। हमें फिलहाल 3 पर ही ध्यान देना, तो हम यहां पर कौन सा अनुपात को लें? देखो हमें ये लंब का मान पता है सर, लंब का मान दिया गया 60, मुझे निकालना है एसी का मान निकालना है, मतलब कि मुझे आधार निकालना है। तो ऐसा अनुपात देखना जिसमें लंब और आधार हो, तो लंब और आधार ये कौन सा आता है सर? तीसरे वाले ऑप्शन में आता है, टेन में आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? ये होता है लंब बटा आधार। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? 30 अंश। तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान सर यहां पर भवन की ऊंचाई है 60, तो यहां पर मैं डायरेक्ट रखूंगा 60 बटा। यहां पर देखो आधार, आधार क्या होगा? ये एसी होगा। आधार क्या होगा सर? एसी। तो मैं आधार की जगह यहां पर रख दिया एसी। सर टेन 30 अंश का मान तो 1/3 होता है ना, बिल्कुल होता सर। यहां पर रखेंगे 1/3 बराबर 60 है, तो 60 मैंने रखा, एसी का मान मैंने चिपका दिया एसी। एसी का गुणा करेंगे 1 के साथ तो हमें एसी मिलेगा बराबर, 60 का मैं गुणा करूंगा वर्गमूल 3 के साथ तो ये मुझे मिल चुका सर 60 वर्गमूल 3 मीटर में आएगा। किस में आएगा सर? ये मीटर में आने वाला, बिल्कुल। यहां तक की कहानी क्लियर है अच्छे से। अब मैं बात करूंगा दूसरे नंबर के त्रिभुज पर बी सी डी में, तो मुझे सी से लेकर बी तक की दूरी पता चल जाएगी। तो आइए बच्चों अब हम बात करेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बिल्कुल देख लो। तो हम यहां पर दूसरे कलर से लिखना चाहेंगे इसको, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं? यह हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी में, बी सी डी में। देखो
तो हम वापस से वही कहानी दोहराएंगे सर, हम यहाँ पर लंब बटा आधार वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना आधार का मान और लंब का मान दिया है, यानी कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा की जगह अब की बार हम रखेंगे ये 60 अंश। तो ये हो जाएगा सर टैन 60 अंश बराबर लंब का मान, यानी कि ये पूरे टीले की ऊंचाई, ये हो जाएगा सर 60, ठीक है। बटन में आ जाएगा आधार, आधार क्या है, ये बीसी है, तो हम यहाँ पर चिपकाएंगे बीसी। सर टेन 60 अंश का जो मान होता है ये तो वर्गमूल 3 होता है ना, बिल्कुल होता है, चिपकाओ यहाँ पर वर्गमूल 3, ये आ जाएगा 60 बटा बीसी आ चुका, बिल्कुल। चलो आगे इसको हल करते हैं। देखो बीसी का मैं यहाँ पर इधर लाऊंगा, तो बीसी का मैं गुणा कर रहा हूं किसके साथ, वर्गमूल 3 के साथ करूंगा, और बीसी के साथ जो वर्गमूल 3 आएगा वो गुणा वाला जाता है भाग पर, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैंने भाग वाले को गुणा में और गुणा वाले को ला दिया भाग में, बिल्कुल सर। यहां तक हमने दो लाइन बचा लिया, दो लाइन, पहले मैं गुणा करता फिर उसको भाग में लाता, उससे अच्छा मैंने डायरेक्टली भाग को गुणा में और गुणा को भाग में ला दिया, बिल्कुल सर। यहां तक की कहानी में पूरी समझ में आ चुकी है। देखो अब, देखो अब इधर आओ, आओ इधर आओ, देखो हाँ अब क्या करेंगे, तो मुझे यहां पर सर फिर से दिख गया वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 वाले जब भी आपको हर में दिख गया, वर्गमूल 3 हो या फिर वर्गमूल 2 हो, जब भी आपको वर्गमूल वाली संख्या दिख जाए आप कर दो हर का परिमेयकरण, बिल्कुल सर हर का परिमेयकरण करना सीख चुके हैं। ये हो जाएगा 60 वर्गमूल 3। चलिए बताइए वर्गमूल 3 का हम हर का परिमेयकरण करेंगे, कैसे करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे ऊपर में और इसी को एक बार लिख देंगे नीचे में, बिल्कुल हर का परिमेयकरण हो चुका। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 60 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, दो भिन्न जब गुणा में होते हैं तो ऊपर के साथ गुणा और नीचे का सर नीचे के साथ गुणा होता है। मैं इसको कई बार बता चुका हूं कि वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ करते हैं तो सर ये हमें मिलता है 3, बिल्कुल 3 मिल चुका। इसको मैं काट सकता हूं, 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो बीसी बराबर सर हमें क्या मिला हुआ है, हमें सर मिला हुआ 20 वर्गमूल 3 मीटर मिल चुका, बिल्कुल ये हमें मिल चुका है, देख लो 20 वर्गमूल 3 मीटर हमें मिल चुका है। देखो हमें निकालना क्या था, A से लेकर B तक की दूरी निकालना था, हमें A से लेकर C तक की दूरी पता चल चुकी है और B से लेकर C तक की दूरी पता चल चुकी है, अतः हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा सर, तब मकानों के बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं दोनों को जोड़ने वाला हूं, देखो अतः मकानों के बीच की दूरी, देखो अतः मकानों के बीच की दूरी, अतः मकानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इसको, तो दूरी देखो दोनों मकानों के बीच की दूरी क्या है, पहला मकान ए पर स्थित था और दूसरा मकान कहां पर स्थित है सर, बी पर, तो ए बी बराबर ये हो जाएगा, देखो दूरी दूरी ए बी बराबर मैं यहां पर लिखूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा, दूरी ए बी बराबर, चलो इसको यहां पर लिख दूं, क्या यहां पर लिखता हूं, देखो ए बी बराबर, ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए से लेकर सी तक की दूरी धन बी से लेकर सी तक की दूरी, तो ए सी धन ये हो जाएगा सर बी सी, ए सी धन बी सी, तो ए बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखो ए सी का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये सर वर्ग 60 वर्गमूल 3 है और इसमें हम जोड़ने वाले हैं बी सी का मान, बी सी का मान सर हमें मिला हुआ है 20 वर्गमूल 3 मीटर हमें ये मिला हुआ था, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 60 और ये 20 ये दोनों जुड़कर सर ये हो जाएगा 80 वर्गमूल 3 मीटर हो जाएगा, ये सर हमारा है फाइनल आंसर, बिल्कुल हमारा है लास्ट आंसर होने वाला है, जो कि मैंने आपको दो स्लाइड में बनाकर पूरा दिखा दिया है। अगर आपका ये चित्र समझ में आ चुका तो आपका 50% खेल ये इसी चित्र में रहता है, बिल्कुल इसी चित्र में आपका 50% रहता है, 50% जो आपका कैलकुलेशन में रहता है, बिल्कुल इसको हमने अच्छे से समझ लिया सर। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दिया जो कि अवनमन कोर्स से संबंधित है, तो अभी तक हमने 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर ली है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, अगर उस वीडियो को आपने नहीं भी देखा तो भी चलेगा, लेकिन जो शुरू के मैंने 4 क्वेश्चन बताए ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस के लिए हम इसका एक और पार्ट लाने वाले, पार्ट नंबर 3 में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, बिल्कुल बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा इसके पार्ट नंबर 3 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।